हेलो मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री की कुछ ऐसी बातें मैं चाहता हूं कि आपको पता हो। भाई ये बात अगर आपको पता लग जाएगी ना तो केमिस्ट्री को ना आप यहीं झुका दोगे, और अगर ये बात नहीं पता हुई तो केमिस्ट्री आपको झुका देगा। केमिस्ट्री के बारे में जो बातें बताने जा रहा हूं इसके बाद ना आपकी बॉडी में खून नहीं कॉन्फिडेंस दौड़ेगा। भाई केमिस्ट्री में हम बहुत बढ़िया स्कोर करने वाले हैं, बस आपको मेरी बात को समझना है और उनको फॉलो करना है। सो क्लास 11th केमिस्ट्री में कोई नहीं बताएगा ऐसी ऐसी राज की बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, बस प्लीज ईमानदारी से सुनना। अब कहानी क्या है, देखो पहली बात तो ये कि केमिस्ट्री टेक्स मिनिमम टाइम, केमिस्ट्री में टाइम बहुत कम देना पड़ता है अगर सही गाइडेंस आपके पास है तो। केमिस्ट्री में टाइम बहुत कम देना पड़ेगा और आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। क्लास 11th की केमिस्ट्री तो बहुत ईजी पड़ती है, बहुत ईजी। आप बोलोगे कैसी कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो, मैं बैकी बातें नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल बैकी बातें नहीं कर रहा हूं। आप बस वीडियो को देखो, आप देखना आपको क्या मिलता है इस वीडियो से, आपको क्या मिलता है समझना। तो कहानी यह है कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कम टाइम देने के बाद भी हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जो बच्चे सिर्फ आते हैं स्ट्रेटजी देखते हैं और चले जाते हैं उनके लिए वीडियो नहीं है। भाई साहब बता रहा हूं नवंबर आने वाला है, अगर बात नहीं मानी ना भाई से बता रहा हूं आपको स्कूल में कभी इज्जत नहीं मिलेगी, नंबर नहीं आए तो क्या पता पास भी ना हो पाओ। माँ बाप से कभी रिस्पेक्ट इज्जत, मतलब माँ बाप तो प्यार करते हैं लेकिन फिर भी माँ बाप भी परेशान हो जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, नष्ट बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज सीरियस होकर देखना ये वीडियो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर मेहनत करने के लिए रेडी होना तभी इस वीडियो को देखना, वरना चले जाना, प्लीज मेहनत करनी है। दोबारा बोल रहा हूं आगे बढ़ने से पहले कि अगर मेहनत करने की इच्छा है ना तो ये वीडियो देखना, वरना आपके काम की नहीं है, क्योंकि इसमें मेहनत करवाना सिखाऊंगा आपको, मेहनत करने के लिए बोलूंगा मैं आपको। तो मेहनत करने वाले नहीं हो, ऐसे ही हो कि भाई चल रही चलने दो, आज तक नंबर नहीं आ रहे थे ना आए, आगे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया स्कोर नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं है, डर डरे से है, सहमे हुए हैं, केमिस्ट्री में मजा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ऐसे होना इग्नोर करने वाले तो चले जाओ। लेकिन जीरो पर हूं मैं, जीरो पर हूं पर मेहनत करूंगा, मैं जीरो पर हूं पर मुझ में आग है मेहनत करने की, मैं जीरो पर हूं पर आगे सब कुछ बदलूंगा, मेहनत से सब कुछ पाऊंगा, ये इच्छा है ना मन के अंदर। और रेडी हो कमेंट में लिखो, रेडी हो मेरे साथ मेहनत करने के लिए, अगर रेडी होना तो देखना ये वीडियो, वरना चले जाओ। तो कहानी बात करते हैं, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि कम टाइम लेगा पर आपको मैक्सिमम स्कोर देगा। अब हम काम की बातें करते हैं, देखिए केमिस्ट्री के अंग समझो, केमिस्ट्री तीन अंगों में बैठा हुआ है, चाहे 11th हो या 12th हो, क्या बैठा हुआ है देखो भैया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ये तंग करता है, ये तंग करता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल स्कोर कर सकते हैं भाई साहब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल स्कोर कर सकते हैं, फुल फुल मेरे वीडियो से ही, मैं बताऊंगा कौन सी वीडियो देखनी है, लगा भी दूंगा स्क्रीन पे भाई साहब। अगर पूरी ऑर्गेनिक ना, ऑर्गेनिक में आपको बस हाइड्रोकार्बन मतलब 10 घंटे से 12 घंटे, ऑर्गेनिक में 10 से 12 घंटे, सिर्फ 10 से 12 घंटे अगर तुमने ऑर्गेनिक में लगा दिया, जो मैं वीडियो बताऊंगा देख लिया तो भाई साहब मैं क्या बोलूं, आपके एक नंबर नहीं कटेंगे, इतिहास गवाह है, पुराने बच्चे गवाह है मेरे, कमेंट पढ़ लेना आप, इतिहास गवाह है कि अगर जो मेरी वीडियो देख के चला जाएगा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसके एक नंबर नहीं कटेंगे, एक नंबर नहीं कटेंगे उसके। हाइड्रोकार्बन की वीडियो पड़ी हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, सेम क्वेश्चन आता है पेपर में और नए वीडियो भी आ ही रहे हैं बहुत, अभी हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक के नए वीडियो भी आएंगे, पुराने वीडियो पड़े हैं, पूरा सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, सेम ही है। अब बता दूंगा कौन सी वीडियो देखनी, पहले सुनो, यानी कि अगर 70 नंबर का पेपर है, सुनो अगर 70 नंबर का पेपर है तो फिजिकल केमिस्ट्री जो तंग कर रही है ऑलमोस्ट 20 नंबर ही आपको तंग करेगा, इसकी थ्योरी तो आप कर ही लोगे, इसके न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत है, यानी 20 नंबर आपको तंग कर रहा है, यानी 70 में से ऑलमोस्ट 50 नंबर थ्योरेटिकल है, 50 नंबर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, 45 से 50 नंबर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है भाई साहब, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। यानी अगर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल की थ्योरी अच्छे से पढ़ ली तो भाई साहब नंबर तो हमारी जेब में, लेकिन 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 न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। अब रही बात 20 नंबर की न्यूमेरिकल, सर सर सर, यानी सर आप ये कह रहे हो कि अगर मुझे फेल होने का डर है तो अगर सर मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कर लूंगा जो आप बताओगे उससे तो मैं इतने बढ़िया नंबर ले आऊंगा, हाँ इतने बढ़िया नंबर ले आओगे आप, तो सर सर लेकिन मेरा मन है ना कि मैं 95+ लाऊं, सर मेरा मन है ना कि मैं पूरे नंबर लाऊं, सर मेरा मन है कि दबदबा बन जाए स्कूल में, क्लास में, हर जगह दबदबा बन जाए कि भाई नंबर लाए, तो सर न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, हाँ तो क्या सर मुझे पूरी एनसीईआरटी, सर मुझे पूरे सब कुछ सॉल्व करने पड़ेंगे क्या सर, सर इतना कुछ नहीं करना चाहता मैं, इतना कुछ करना भी नहीं। अगर आपके पास टाइम बहुत है तो आप खूब प्रैक्टिस करो, लेकिन अगर टाइम कम है, अगर आपके पास टाइम कम है ना तो मैं बताऊंगा क्या करना है, रुको, यानी 20 नंबर हमें तंग कर रहा है न्यूमेरिकल वाले, इस नंबर को कैसे पाए सर ये बता दो, बता रहा हूं देखो। सबसे पहले अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा है थ्योरी के लिए इसको फॉलो करो, इसमें ऑर्गेनिक की वीडियो भी डाल दी गई है और जो वीडियोस नहीं है वो अपडेट कर रहा हूं मैं, अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री की पूरी बुक 1 के न्यूमेरिकल सारे, बुक 2 के न्यूमेरिकल सारे, केमिस्ट्री के बुक 1 के न्यूमेरिकल सारे, केमिस्ट्री के बुक 2 के न्यूमेरिकल सारे, 11th का पूरा रेडी कर रहा हूं, अभी नवंबर में 2-4 तारीख के बीच में डाल दूंगा और बताओ। तो फिलहाल क्या है, अभी इसके अंदर आपको थ्योरीज मिलेगी और न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी बहुत डिटेल में। भाई साहब अगर इस वीडियो को फॉलो कर लेते हो ना, आप अगर एक क्वेश्चन छूट जाए पेपर में मेरा, मैं क्या बोलूं, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो तो मैं बता रहा हूं कवर कर लिया, तो आपको इन लंबे वीडियोस को फॉलो करना है पागलों की तरह। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप छोटे वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप प्लीज इस न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट को फॉलो करना, क्लास 11 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट को फॉलो करना, और मैं लिख के देता हूं जो बच्चे, और अभी अपडेट भी करूंगा, दोबारा बोल रहा हूं
वीडियोस अपडेट भी होंगी, नई नई वीडियोस भी आएंगी, तो इंतजार करना और ये पढ़ना है जब तक। अब मैं गारंटी दे रहा हूं, जो बच्चा मेरे चैनल से पढ़ता है 70 में से 70 आएंगे, जो जो कंटेंट मैं लाऊंगा उसको फॉलो कर लिया तो, मेरी गाइडेंस को मान के फॉलो कर लिया तो 70 आउट ऑफ 70 आएंगे। मैं ये लिख के दे रहा हूं, जो क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, वो आपके पेपर में सेम टू सेम दिखाई देंगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। यकीन हो तो 12th वाले से पूछ लेना। बच्चे मुझे कहते सर आपने पेपर लीक कर दिया, सर आपने तो पेपर ही लीक कर दिया। अभी बेटा टाइम आने का, अभी नवंबर चल रहा है ना, नवंबर में मेरा असली रूप देखोगे आप। नवंबर में जो आपको वीडियोस मिलेगी ना, तगड़ी तगड़ी, ये न्यूमेरिकल वाली, ये क्वेश्चंस वाली, ये एमसीक्यू, ये असर्शन रीजन, ये वो सब कुछ बना रहा हूं, मेहनत कर रहा था बैकग्राउंड में, थोड़ी तबियत खराब थी, दिन रात मेहनत कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं, मैं अगर मेहनत कर सकता आपके लिए तो क्या आप मेरे लिए मेहनत नहीं करोगे? क्या आप रेडी नहीं हो मेरे लिए मेहनत करने के लिए? क्या मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं फ्री में, क्या पढ़ने के लिए रेडी नहीं हो? अगर रेडी हो तो लिख दो कमेंट में। और न्यूमेरिकल सीरीज में मैं आपके स्कूल के क्वेश्चन पेपर उठाऊंगा, तो स्कूल का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत करने को रेडी हूं, प्लीज इन बातों का ध्यान रखें। किन बातों का ध्यान रखें कि मेरे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? अगर आपके पास टाइम कम है तो फिजिकल केमिस्ट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इस पर फोकस करो और फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरीज पढ़ लो। और आपके पास टाइम है तो न्यूमेरिकल की खूब प्रैक्टिस करो, और टाइम नहीं है तो जो न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूं सिर्फ उनकी प्रैक्टिस भी कर लोगे तो चांसेस है फुल आउट ऑफ फुल। और भी न्यूमेरिकल्स मैं लेके आने वाला हूं, और बिलीव करो जो मैं करवा दूंगा उससे बाहर पेपर नहीं आता। तो दोस्तों आई होप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, भरोसा है, इतने सालों की मेहनत है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका आशीर्वाद चाहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो।